क्लास में हम एमएस वर्ड में चेंज केस का यूज़ करना सीखेंगे। चेंज केस आपको मिल जाएगा होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है चेंज केस। इस आइकन पर जब आप जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। इसमें सेंटेंस केस, जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं और पैराग्राफ लिखने के लिए हम किसी भी पर्टिकुलर कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं, हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ कूल ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका काम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। सो चेंज केस में चलते हैं। चेंज केस, और चेंज केस पे हमने अलग अलग ऑप्शन देखे यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास लोअर केस नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। लोअर केस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एग्जांपल आपने देखा यहाँ पर। और सेम सिलेक्टेड टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर दूसरा ऑप्शन लिया अपर केस, और ये सारे टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है और बाकी जो लेटर हैं वो सारे के सारे आपके स्मॉल ही रहते हैं। ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आपका सी कैपिटल हो गया है और चेंज में सी केस के अंदर कैपिटल हो गया, बाकी स्मॉल है। सेम हम पैराग्राफ के साथ में कर रहे हैं, पैराग्राफ में कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, यहाँ ये ऑप्शन हमने लिया। आप देखेंगे कि आपके वर्ड के सभी वर्ड के पहले लेटर जो हैं वो कैपिटल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। देन इसके बाद हमारे पास आता है टोगल केस। चेंज केस को मैंने सिलेक्ट किया। टोगल केस में जो भी टेक्स्ट आप लिखते हैं उसका ऑपोजिट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर सी कैपिटल है तो अब की बार सी स्मॉल हो जाएगा, एच कैपिटल, ए कैपिटल, सो ये रिवर्स ऑर्डर में चला जाता है। ये देखिए एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर सी स्मॉल हो गया है, इसमें भी सी स्मॉल हो गया है। वॉच टिल एंड, अगर मैं इसको टोगल करता हूँ तो यहाँ पर यही सेम ऑप्शन देगा, W स्मॉल हो गया है, A T C H कैपिटल हो गया है, ठीक है। अगर कोई वर्ड आपका कैपिटल में लिखा हुआ है तो वो उसको स्मॉल में कर देता है, लेकिन टोगल और अपर केस लोअर केस में डिफरेंस होता है, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेंटेंस केस में पैराग्राफ का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सेंटेंस केस लिया और हमारा पैराग्राफ जो है, इस पैराग्राफ का पहला लेटर जो है एक सेंटेंस के कंप्लीशन तक कैपिटल हो गया है, और नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा उस नेक्स्ट सेंटेंस का पर्टिकुलर वर्ड जो है फर्स्ट लेटर वो कैपिटल हो जाता है। सो मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को चेंज केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, मैं एक शॉर्टकट की अप्लाई कर रहा हूँ, शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 को आप यूज़ करेंगे, देखिए सारे लेटर स्मॉल हो गए, रिवर्स किया, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड हो गया, एंड देन फाइनली आपका कैपिटल अपर केस में ही कन्वर्ट हो गया। तो तीन तरीके से आप अपने चेंज केस के शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो में क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी। और भी नई कूल ट्रिक्स के लिए आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए। अभी की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।